वेलकम स्टूडेंट्स नाउ यू स्टडी अबाउट एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टर रजिस्टर के साथ जो एवरेज पावर जुड़ा हुआ रहता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे नाउ इन केस ऑफ ए प्योर रजिस्टर इन केस ऑफ ए प्योर रजिस्टर वोल्टेज एंड करेंट आर ऑलवेज इन सेम फेज प्योर रजिस्टर के साथ वोल्टेज और करेंट दोनों ही आपको सेम फेज में होते हैं नॉ वी इज्क्ल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी एंड आई इजल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी सो डी डब्ल्यू इज्कल टू पी डी टी और पी एजक्वल टू वी आई इंटू डी टी वी सो भी जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी दोनों में है सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी यहाँ भी जीरो आई जीरो को कॉमन कर लेंगे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह होता है वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू डी टी तो इस टी टू को हम बाहर निकाल लेंगे तो आपको आ जाएगा भी जीरो आई जीरो बाई टू वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी इसके बाद दवरेज पावर डिसिपेटेड सर्किल इन दी रजिस्टर विल बी पी ए भी पी बराबर जो होता है डब्ल्यू बाई टी तो डब्ल्यू वाई टी तो वन बाई टी इंटू डी डब्लू और यहाँ से इक्वेशन को निकालेंगे तो आपको हो जाएगा वी जीरो आई जीरो बाई टू टी जीरो टेंस टू टी वन माइनस कॉस टू मेगा टी इंटू डी टी और इसको बाई फटकेट करके इंटीग्रेट करेंगे वी जीरो आई जीरो बाई टू टी टी माइनस साइन टू ओमेगा टी वाई टू ओमेगा जीरो टेंस टू टी वी जीरो आई जीरो वाई टू टी टी माइनस जीरो और इस टर्म का जो है इंटीग्रेशन आपको ज़ीरो होता है सो आपके पास आ जाएगा वी जीरो आई ज़ीरो बाई टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो टू सो हम लोग लिख सकते हैं इसको वी ज़ीरो बाई टू आर जहाँ पे आपको जो है आई ज़ीरो बराबर जो हो जाता है आई ज़ीरो टू वी वी जीरो जीरो आर, आर, सो पी एवरेज इजल टू वी जीरो बाई रूट टू इंटू आई जीरो बाई रूट टू यहाँ से कर रहे हैं बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस और यहाँ से हम लोग करेंगे तो वी एवरेज बराबर वी स्क्वायर आर एम एस इंटू आर यहाँ आई आर एम एस इज टू वी आर एम एस बाई आर होता है। एनर्जी एनर्जी इंडक्टर, इंडक्टर। बैक ए एम एफ इज सेटअप द ग्रोथ ऑफ करेंट सो वर्क नीड टू बी डन अंगेज दैक ई एम एफ इन बिल्डिंग अप टू द अब दी करेंट दी वर्क डन इज स्टोर्ड एट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यदि किसी भी कंडक्टर के थ्रू करेंट को ग्रो करवाते हैं तो एक बी ए, एक बैक ईएमएफ सेट होता है और ये जो बैक ईएमएफ सेट होता है वो करेंट की ग्रोथ का आपको अपोज करता है तो कुछ वर्क डन इसके लिए नीड होता है इस बैक ईएमएफ के अंगेंस्ट में जो कि सर्किट में करंट को ग्रो करवाए ठीक है और यही वर्क डन जो है वह आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आपको इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड होता है सो so, ई e बराबर माइनस एल डी आई वाई डी टी और डी डब्लू इज्कल टू पी डी टी बराबर माइनस ई आई डी टी और माइनस माइनस यहाँ पे आपको ई e का वैल्यू को पुट कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इन टू डी टी सो डी टी डी टी को कैंसिल कीजिएगा तो आपके पास आएगा डी डब्लू इक्वल टू एल आई डी आई और डब्लू बराबर डी डब्ल्यू इंटीग्रेट करेंगे जीरो टेंस टू आई जीरो वेयर आई जीरो इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट सो आई टेंस टू आई जीरो एल आई डी आई इक्वल टू एल तो कॉन्स्टेंट टर्म है एल कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको बाहर निकाल दीजिए तो आई डी आई का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो आपको आएगा आई स्क्वायर बाई टू और लिमिट हमने रखा है जीरो सो डब्लू स्क्वल टू हाफ एल आई जीरो स्क्वायर दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन दी स्टोर्ड एज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यू इज द इंडक्टर तो W की जगह हम U पुट करेंगे तो U बराबर हाफ एल आई जीरो स्क्वायर यही आपको होता है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर U बराबर हाफ एल आई जीरो का स्क्वायर नाउ द एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ एन इंडक्टर वेन ए सी इज अप्लाईड टू एन आइडियल इंडक्टर करंट लेक्स बिहाइंड वोल्टेज इन फेज बाई पाई वाई टू रेडियन सो वी इज्कल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी एंड आई इजक्ल टू आई जीरो साइन फेज डिफ्रेंस जो आपको होता है वो ओमेगा टी माइनस पाई वाई टू तो क्या करेंगे इसको उलट देते हैं इस टर्म को तो निगेटिव टर्म यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई जीरो साइन पाई वाई टू माइनस ओमेगा टी सो माइनस आई जीरो कॉस ओमेगा टी अब ये आपके पास आई है ये आपके पास भी है तो सो डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी बराबर वी आई डी टी सो माइनस वी जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी अब अगले टर्म में हम इससे दो से गुना कर देंगे और दो से भाग भी दे देंगे मल्टीप्लाइड बाई टू एंड डिवाइडेड बाई टू सो माइनस वी जीरो आई जीरो बाई टू इंटू टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी ये इक्वल होगा माइनस वी जीरो आई जीरो बाई टू और ये टर्मिनोलॉजी आ जाएगी आपको साइन टू ओमेगा टी डी टी ये आपको आ जाता है साइन टू ओमेगा टी डी टी यहाँ पर फिर से कहते हैं फिर से बतलाते हैं आपको आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू माइनस आई जीरो साइन चूंकि इस टर्म को हमने उलट दिया है सो माइनस आई जीरो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी और आई बराबर माइनस आई जीरो कॉस ओमेगा टी सो डी डब्ल्यू इज क्वाल टू पी डी टी बराबर माइनस वी जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी इसको हम दो से मल्टीप्लाइड भी करेंगे दो से डिवाइड भी कर देंगे सो माइनस वी जीरो आई जीरो बाई टू इन साइन टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी टी इक्वल टू माइनस वी जीरो आई जीरो टू और टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी बराबर होता है साइन टू ओमेगा टी इन टू डी टी एवरेज पावर डिसिपेटेड पर इन के इंडक्टर इज़ सो पी ए वी इक्वल टू डब्लू बाई टी बराबर वन बाई टी और इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो टाइम्स टू टी डी डब्ल्यू सो so, यहाँ से कर लीजिए माइनस वी जीरो आई जीरो बाई टू टी टू साइन ओमेगा टी डी टी जीरो टैंस टू टी और माइनस वी जीरो आई जीरो बाई टू टी साइन टू ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा जीरो टैंस टू टी यहाँ से इस करेंगे तो वी जीरो आई जीरो टू टी इंटू टू ओमेगा कॉस टू ओमेगा डी टी और वी जीरो आई जीरो बाई फोर ओमेगा टी कॉस फोर पाई टी इंटू टी बाई जीरो अब इस टर्म में टी की जगह टी करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो कॉस फोर पाई माइनस कॉस जीरो डिग्री सो भी जीरो आई जीरो बाई फोर ओमेगा टी इज इजल टू कॉस फोर पाई माइनस कॉस जीरो डिग्री सो भी जीरो आई जीरो बाई फोर ओमेगा टी कॉस फोर पाई का वैल्यू होता है वन माइनस वन इजल टू जीरो Thus the average power dissipated per circuit in an inductor is equal to zero.